नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सेल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड, मतलब बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों आता जा रहा है, दिन ब दिन उनका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। यह साथ में ये भी जानेंगे कि बच्चे आजकल पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, इसके पीछे के क्या रीज़न है और इस रीज़न को यानी कि इस कारण को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सभी बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई मन लगा कर करें। हर पेरेंट्स ये भी चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो बड़े का सम्मान करे, इज्जत करे। हर पेरेंट्स ये भी चाहता है कि उनका बच्चा उनसे कभी झूठ ना बोले। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उनका बच्चा कुछ ऐसे लोगों के या ऐसे बच्चों के संपर्क में आ जाते हैं या उनसे दोस्ती कर लेते हैं जो ना तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और ना ही व्यवहार में अच्छे होते हैं, और इस वजह से उनकी गलत आदतें इनके ऊपर हावी हो जाती है, या कह सकते हैं उनकी जो गलत बच्चे हैं उनकी गलत आदतें ये सीख जाते हैं, जैसे मारपीट करना, गाली गलौज करना, सिगरेट पीना आदि। और अगर समय रहते हुए आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने बच्चों पर की गलत आदतों पे ध्यान नहीं दिया, तो ये आगे चलकर ये इनकी जो खराब आदतें हैं ये इनकी पूरी पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगी और आगे जाकर बच्चा आपका खराब हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चों में आने वाले इस परिवर्तन को या इस चेंजेस को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। बहुत आसान टिप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि आपके बच्चे में इस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, इस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। तो नंबर वन, ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। दूसरा, ऐसे बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है। तीसरा, ऐसे बच्चे अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं और अगर उनके कमरे में कोई आता है तो उन्हें गुस्सा आता है। चौथा, बिना बताए घर से बाहर जाना या दोस्तों में जाना और पूछने पर गुस्सा करना। पांचवा, बात बात पर या हर काम के लिए पैसे मांगना और कभी कभी चोरी भी करना। छठा, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। सातवा, बातचीत के दौरान या बोलचाल में बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करना, यानी कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके बच्चे में आपको दिखते हैं तो सावधान हो जाइए। तो चलिए, आपने पता तो कर लिया कि इन सिम्टम्स में से कौन से सिम्टम्स आपके आपके बच्चों में है। भगवान ना करे किसी के बच्चों में सिम्टम्स हो, लेकिन अगर है किसी के बच्चे में इस प्रकार के सिम्टम्स, तो हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं या उस बच्चे को जो कि गलत आदत में चला गया है उसको हम किस तरह से वहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी भी कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को उन गलत आदतों से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप अपने बच्चे के जो दोस्त हैं उनको घर पे बुलाइए। जैसे ये बाहर जाता है उनसे मिलने, बजाय इसके बाहर जाने का आप उन बच्चों को या उनके दोस्तों को घर बुलाना शुरू करिए। दूसरा, आपके बच्चे के जो दोस्त हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करिए कि वो कौन सी लोकेलिटी से आते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके घर में जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, इस टाइप से मतलब उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका आप पता करिए। तीसरा, बच्चे की खाने का पसंद का ध्यान रखिए। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए आपसे बोलता है तो अगर पॉसिबल हो तो वो उसे खिलाइए। कभी कभी आप बच्चों के साथ घूमने भी जाइए, अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़े, जो भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं उस धर्म से आप जोड़े और धर्म की इम्पोर्टेंस जीवन में बताए कि धर्म की इम्पोर्टेंस जीवन में किस प्रकार की है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप अपने बच्चे की किसी बात को नापसंद करते हैं या उसकी किसी दोस्त को नापसंद करते हैं तो इसका कारण बताइए उसे। ये नहीं कि नहीं ये तुम्हारा दोस्त कल से नहीं आना चाहिए या इससे दोस्ती मत करो, नहीं, उसको रीज़न बताइए कि मैं आपके इस दोस्त को क्यों मना कर रही हूँ मिलने के लिए या इससे दोस्ती करने के लिए क्यों मना करता हूँ। इसके रीज़न आप जब तक नहीं बताएंगे तो बच्चा कभी आपकी बात नहीं मानेगा। बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर बच्चा किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो उसे ताने मत मारिए, उसे किसी और बच्चे से कंपेयर मत करिए, बल्कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए इसके लिए उसको मोटिवेट करिए। अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कभी मत कीजिए। अक्सर मैंने देखा है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर करते हैं। सपोज करिए किसी के हाईएस्ट मार्क्स आए क्लास के अंदर तो उससे बोलते हैं कि नहीं आपके क्यों नहीं आए, आपके भी हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हर बच्चा एक लेवल का या एक कैलिबर का नहीं होता है।
तो आप अपने बच्चे की कैलिबर को पहचानिए, उसी हिसाब से उससे अपेक्षा रखिए। आप अपने बच्चों के पेरेंट्स नहीं बल्कि दोस्त बनिए, ताकि वो आपसे सभी बात को शेयर कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि घर में इस प्रकार का माहौल होता है कि बच्चा कुछ शेयर नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स से, और इस वजह से उसको शेयर करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर आप उसके पेरेंट्स की बजाय उसके दोस्त बन करेंगे तो वो हर बात आपसे शेयर करेगा या करेगी, जिससे कि आपको उसके व्यवहार का पता चलता रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जो दुनिया है या जीवन है, उसके अंदर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे और पापा या बच्चे या मम्मी का वो मिलते नहीं है, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, वो आपस में बात ही नहीं करते, और इसी वजह से गैप हो जाता है, और वो फिर वो गैप को भरने के फिल करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा डेली टाइम दीजिए। आप टाइम किस तरह से देते हैं ये आपके ऊपर है, आप उनके साथ खेलना है, बात करना है, जो भी आप करें, लेकिन उनके साथ आपको 1 घंटा कम से कम डेली बितानी चाहिए। तो कैसे लगे आपको मेरे टिप्स और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।